देश भर में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। सभी मंदिरों को बेहद खूबसूरती के साथ सजाया गया। भक्त श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर भक्ति रस में डूबे नजर आ रहे हैं। ऐसे में मुरादाबाद में भी कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर खास तैयारियां की गई। मथुरा की तरह मुरादाबाद में भी विभिन्न मंदिरों को सजाया गया। देर रात तक मंदिरों में पूजा अर्चना की गई। उत्सव को बेहद धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। मुरादाबाद रेलवे कॉलोनी स्थित मनोकामना मंदिर के पुजारी अनिल भारद्वाज ने बताया कि पंचामृत से भगवान का अभिषेक किया गया। उन्होंने कहा कि अर्धरात्रि में भगवान का जन्म होने पर यहाँ विशेष पूजन किया गया है। इस बार श्रद्धालुओं में ज्यादा उत्साह है और काफी ज्यादा संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। पुजारी ने बताया कि पिछले 2 साल से कोरोना के कारण मंदिर बंद थे, जन्माष्टमी और अन्य त्योहार नहीं हो पाए, इसलिए इस बार ज्यादा उत्साह है। पंचामृत का अभिषेक किया गया है और अर्धरात्रि पर भगवान का जन्म होने पर यहाँ पर विशेष पूजन होता है हर साल की तरह। किस तरह के जन्मोत्सव इस बार देखा जा रहा है? इस बार काफी उत्साह है श्रद्धालुओं में और हजारों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। पिछली बार 2 सालों से कोई उत्सव नहीं मनाया गया मंदिर में। भंडारा होता था नवमी के दिन, बहुत विशाल भंडारा होता था, उसमें भी कुछ नहीं मनाया गया। जन्माष्टमी भी सुनी रही, हर त्यौहार कहेंगे सुना रहा। इस बार श्रद्धालुओं का काफी उत्साह है और मंदिर बहुत सुंदर सुंदर सजी झांकियां लगी हुई है, जिसका श्रद्धालु बहुत अच्छी तरह से मनोरंजन और दर्शन कर रहे हैं। विशेष पूजा होती है 12 बजे भगवान श्री कृष्ण की। विशेष पूजा रात में 12 बजे इसलिए होती है कि उनका जन्म आधी रात को भागवत की कृष्ण अष्टमी को हुआ था। 9:20 से अष्टमी लगी और रात्रि में चंद्र उदय के बाद उनका पूजन हुआ और अभिषेक हुआ। बहुत ही क्रेज है, जब पिछले सालों की भांति थे कोरोना संकट के वजह से मंदिर बंद थे, कोई उत्सव नहीं मनाया जा रहा था, बहुत उत्साह है इस बार श्रद्धालुओं में। आपको बता दें कि मुरादाबाद के मनोकामना मंदिर में भगवान भोलेनाथ की भव्य बर्फ की गुफा बनाई गई और तरह तरह की झांकियां सजाई गई। वहीं नवाबपुरा के पंचायती मंदिर में भी श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखी गई। रात तक श्रद्धालु भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करने आते रहे और प्रसाद ग्रहण करते रहे। इसी तरफ भीड़ गागन के पास राधा कृष्ण मंदिर में रही भगवान श्री कृष्ण का जलाभिषेक किया गया। भगवान की आरती के साथ धूमधाम से जन्मोत्सव श्रद्धालुओं ने मनाया। राधा कृष्ण पंचायती मंदिर में हर वर्ष की बात ही, इस वर्ष भी श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें पूरे प्रांगण में क्षेत्रवासी उपस्थित हैं, आप देख सकते हैं, और उनके लिए लगभग 51 किलो दूध का पंचामृत तैयार हुआ है। करीब 70 से 80 किलो चीनी की बर्फी और मेवाएँ डाल के प्रसाद पंजीरी बनाई गई है। ये बताइए, 2 साल से मना पाए जन्माष्टमी का, कोरोना रहा, इस बार किस तरीके से? कोरोना काल में जन्माष्टमी सूक्ष्म रूप से मंदिर के पुजारी और 10-5 परिवार द्वारा मनाई गई थी और इस बार भव्यता के साथ पब्लिक घरों से आ रही और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करके धर्म लाभ कमा रही है। बहुत उत्साह है, हर्षोल्लास बढ़ता चला आ रहा है। आप देख सकते हैं पीछे कांवर में भी भीड़ की दुगनी थी कम से कम, ऐसे ही मंदिर में जो लोग कम आ रहे थे बहुत ज्यादा आ रहे हैं। इसी क्रम में सिविल लाइन्स स्थित पुलिस लाइन मंदिर का नजारा देखा गया। छोटे छोटे बच्चे राधा कृष्ण की ड्रेस पहनकर मंदिरों में सच कर आए। दूसरी ओर कोर्ट रोड स्थित दुर्गा मंदिर को तिरंगे से सजाया गया, साथ ही देर रात तक श्रद्धालुओं की भीड़ वहां देखी गई। इनका बहुत ही इस साल बहुत ही ज्यादा हर्षोल्लास है, क्योंकि पिछले 2 साल से कोरोना के चक्कर में बहुत से हम सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे थे, जन्माष्टमी का उत्सव नहीं मना पा रहे थे। इस वर्ष बहुत ही ज़्यादा रुझान है, बहुत अच्छे से मंदिर सजे हुए हैं, सभी लोग मंदिर में भगवान के दर्शन कर रहे हैं। अपने बेटे को भी और बाकी बिहारी लाल की जय। सभी बच्चे जो कान्हा नहीं बन पा रहे थे या राधा नहीं बन पा रहे थे, वो इस बार बच्चों की भी इच्छा पूरी हुई है और सभी अपने ढंग से सजाकर अपने बच्चों को लेके आए हैं और सभी मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं और बाकी बिहारी लाल का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। गौरतलब है कि इस दौरान सभी श्रद्धालुओं ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करते हुए प्रसाद ग्रहण किया।